किसी भी कंपाउंड में नंबर्स एटम्स को कैसे फाइंड करते हैं मैं बताऊंगा, साथ में आप सीखेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना किसी कंपाउंड का, तो सबसे पहला फंडा क्या होता है, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देन सोडियम यहाँ पे कितना है, 1 है। देन ऑक्सीजन की बात करें 1 है, देन हाइड्रोजन इज 1। इस फॉर्मूले में ओनली 3 एलिमेंट्स का यूज किया गया, सोडियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है, क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में केवल 3 एटम्स का यूज किया गया, जिससे ये फॉर्मूला बना हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एटम्स नंबर फाइंड हो चुके हैं, देन इसका यूज कहाँ करते हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में, मोलर मास में, परसेंट कंपोजिशन में, एंड अवोगाड्रो नंबर फाइंड करने में करते हैं। एंड जब भी आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी इसका यूज करते हैं। आपने मुझसे सीखा किसी भी कंपाउंड में टोटल एटम्स कितने होते हैं, मैंने सिखाया बेहद आसान तरीका। अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।